समाज की ऐसी पहेली जिसमें एक टैटू सबसे अहम सुराग बना, एक ही नाम के करीब 50 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली गई, हाथ पर जो नाम लिखा था उससे कातिल बेनकाब हुआ है जिसने किया था मिडनाइट मर्डर। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बारह बज गए, कत्ल होकर रहेगा, एक लाश, एक नाम, एक टैटू, 50 एक जैसे नाम, गुमशुदगी बनी पहेली। टैटू ने दिया सुराग, ऐसे मिली लाश को पहचान, तंबाकू का पाउच बना दूसरा सुराग। हरदा में पति पत्नी और वो की मिस्ट्री, क्राइम सीन पुलिस के सामने था लेकिन लाश की पहचान पहेली थी। हरदा में बैतूल इंदौर हाईवे पर यात्री प्रतीक्षालय से कुछ दूरी पर एक लाश मिली। लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा था, उसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने लाश के फोटोज को सर्कुलेट किया। इस बीच पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था और वो था लाश के हाथ में बना टैटू जिस पर लिखा था सतीश। ये पहला क्लू था। 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि डगावानीमा इंदौर बैतूल हाईवे पे यात्री प्रतीक्षालय के करीब 5 फीट दूर पे एक बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी के पास जब थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी सब पहुंचे तो उन्होंने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि इसमें कुछ चिन्ह हैं और बॉडी को काफ़ी दिन हो गए हैं। और इसके बाद जब इसका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो बॉडी में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे। सतीश नाम के 50 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ दूसरा सुराग लगा। वो क्लू था तंबाकू का पाउच जो उसी जगह मिला जिस पर लिखा था सीहोर। क्या मृतक का सीहोर से कोई कनेक्शन है? ये व्यक्ति की पहचान क्या है? और जब पहचान इनकी हो गई और ये पता लगा कि ये आस्था सीहोर के हैं तो वहाँ पे इनके परिवार से संपर्क किया गया, जो कि संपर्क करने में और फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से देखने पर तुरंत उन्होंने हाँ कहा कि ये उनके परिवार के सदस्य हैं। अब ये दोनों कनेक्शन सही निकले। सीहोर के आष्टा के रहने वाले सतीश की हत्या हुई थी, अब हत्यारा कौन हो सकता है? सतीश उस दिन किस किस के साथ गया था, मोबाइल पर किससे बातें हुई, ये सारी कड़ियां कोतवाली थाना पुलिस जोड़ रही थी और कातिल का चेहरा सामने था। ये पूरी कहानी थी दोस्ती में दगाबाजी की। हरदा में पति पत्नी और वो की मिस्ट्री कायमी के बाद इसमें जब उनके बयान लिए गए और पूछा गया कि कहाँ थे, क्या थे, किससे मिलने जा रहे थे और मृतक के आरोपी तक पहुँचा गया तो मृतक के आरोपी से कड़ी पूछताछ पे यह पता लगा कि क्योंकि मृतक की जो पत्नी है और पति का विवाद चल रहा था और इसमें एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी, इस थर्ड पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट है यही एक आरोपी है। उसमें आरोपी कृपाल मेवाड़ा जो मृतक सतीश का दोस्त था। सतीश लाइट फिटिंग का काम करता था, शराब की उसे लत थी। आरोपी कृपाल मेवाड़ा को ये लगने लगा कि सतीश उसकी कभी भी हत्या न कर दे। आखिर ये डर क्यों सता रहा था? तो इसके पीछे वजह थी आरोपी का मृतक सतीश की पत्नी से बातचीत करना, उसके साथ गहरा रिश्ता रखना जिसकी भनक परिवार को लग चुकी थी। वारदात वाले दिन नर्मदा स्नान के बहाने सतीश को आरोपी कृपाल अपने साथ ले गया, पत्थर से कुचलकर पूरा चेहरा बिगाड़ दिया लेकिन टैटू ने कातिल का राज खोल दिया। मैरिटल डिस्प्यूट है और एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है और इस थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अपने रास्ते से कांटे को हटाने के लिए उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। आस्था से ये बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से आए थे और ऐसा बता रहे हैं कि नर्मदा स्नान के बहाने या 1 तारीख को इनको लेके आया था। आपस में ये दोनों एक प्रकार से मित्र भी थे, जान पहचान रखते थे और दोनों ऐसा कह के आए थे। हरदा से न्यूज 18 के लिए प्रवीण तवर की रिपोर्ट। और अब खबर उज्जैन से आ रही है जहां 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पाटीदार अस्पताल के ब्रिज से कूदकर उसने आत्महत्या की है। जन्मदिन के दिन छात्रा ने सुसाइड किया है। कोचिंग में जन्मदिन मनाकर घर लौट रही थी छात्रा और इसी बीच
ब्रिज से कूदते समय ऑटो चालक ने उसे बचाने की भी कोशिश की। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो छात्रा ने जान दे दी, वो भी अपने ही जन्मदिन के मौके पर। आखिर ऐसी क्या बात थी जो छात्रा परेशान थी और ब्रिज से कूदकर उसने जान दे दी। कोचिंग के बाद वो घर जा रही थी लेकिन इसी बीच उसने जो है अपनी जान दे दी। हालांकि एक ऑटो चालक की नजर उस पर पड़ी और उसने कोशिश भी की उसको बचाने की लेकिन वो बचा नहीं सका। ब्रिज से कूदते समय ऑटो चालक ने कोशिश की थी बचाने की लेकिन वो ब्रिज से कूद गई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, मामला क्या है? ये देखिए, उज्जैन के जो है तीन बत्ती स्थित जो है प्रिया विरागी अपने कोचिंग से जन्मदिन मनाकर निकली थी। इसी दौरान जो है पाटीदार ब्रिज पे जो चढ़ते दौरान उसने जो है ब्रिज पे छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। अब पूरी घटना की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रिया को पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार किन कारणों से प्रिया ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन भी था और जन्मदिन भी बनाया गया कोचिंग में, और इसके बाद जिस तरीके से प्रिया ने कदम उठाया था, आखिर किन कारणों से यह कदम उठाया है, इसके पीछे की जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो जन्मदिन मनाकर घर लौट रही थी छात्रा लेकिन अचानक से वो ब्रिज से कूदी और फिर वो रेलवे ट्रैक पर गिरी है। हालांकि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। प्रेमी की तालिबानी सजा जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। जिसकी किस्मत एक मासूम बच्ची ने चुकाई, जिसकी कीमत माफ कीजिएगा एक मासूम बच्ची ने चुकाई। बच्ची को उस शैतान ने जमीन पर पटक दिया फिर मुंह दबाया जिससे कि उसकी सांसें ही थम गई। मां के सामने मासूम बेटी का कत्ल हुआ है। हत्यारे ने बच्ची की मां को कहा खामोश वरना। आगे देखिए। मां के सामने बेटी का मर्डर, जमीन पर पटक कर मासूम का कत्ल, मुंह दबाकर सांसें रोकी, 20 दिन का लिव इन पार्टनर, मां के प्रेमी की तालिबानी सजा, सलाखों में शिवपुरी का शैतान, एक प्रेमी की ऐसी तालिबानी सजा जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये लाश देख रहे हैं, ये लाश उस मासूम बच्ची की है जिसके साथ हैवानियत की गई। मासूम बच्ची को जमीन पर पटका गया, उसके बाद उसके मुंह को दबा दिया गया, तब तक जब तक सांसें नहीं थमी। इस महिला के सामने हत्यारे ने उसकी एक साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद ये फरमान भी कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात भर मां अपनी बेटी की लाश और बेटी के कातिल के साथ उसी घर में मौजूद रही। आपकी एक लड़की थी, कितने साल की लड़की थी? खत्म हो गई है। एक साल की। कहाँ की हो आप? टीकम गढ़। सुलार में कैसे हैं? लो आके ले आए थे हमें, तुम्हारे घर छोड़ दे हम। कौन लेके आया? दो नाम है भज्जला भैया लाल आदिवासी। हाँ बचाओ, इन्हें जाते मारा था थे हमें, काट भी की धमकी देते। जो बच्ची खत्म हो गई, इसका क्या? किसने की जी बच्ची खत्म? उसी ने। किसने? नाम क्या है? भैया लाल ने जी बच्ची को खत्म कर दिया। कब कर दिया? 12 बजे रात के। सुबह जैसे हुई तब ये हत्यारा भैया लाल भाग गया। तब जाकर महिला ने गांव वालों को बुलाया, सबसे कहा उसकी बच्ची के कातिल को गिरफ्तार करो। बेंगलोर टू शिवपुरी हत्या की सनसनीखेज वारदात हैरान करने वाली है। आखिर बच्ची को क्यों मारा गया? भैया लाल कौन है? तो ये कहानी है उस लव स्टोरी की जिसमें एक मासूम बच्ची को मां की मोहब्बत की सजा मिली। महिला की मुलाकात भैयालाल से बेंगलोर में हुई। पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ महिला शिवपुरी बामौर कला थाना इलाके में रहने आ गई। महज 20 दिन हुए थे लेकिन उसे नहीं पता था उसकी बेटी की जान प्रेमी ले लेगा। जी, ये थाना बामौर कला क्षेत्र का मामला है। कल बामौर कला थाने पर हरियाली जयंती आदिवासी ने आकर बताया कि उसकी 1.5 साल की बच्ची, जिसका नाम छाया आदिवासी था,
उसके प्रेमी भैया का आदिवासी ने उसको जमीन में पटक कर मार दिया है। जयंती आदिवासी की रिपोर्ट पर फिर पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। आखिर माँ के प्रेमी की तालिबानी सजा बेटी को क्यों भुगतनी पड़ी, तो वजह भी हैरान करने वाली है। प्रेमी भयालाल को प्रेमिका की मासूम बेटी की रोने की आवाज चुभती थी, जिससे महज रोने की आवाज पर ऐसा गुस्सा आया कि उसने मासूम गुड़िया को मार ही डाला। आरोपी का ये कहना है कि रात में जब हम लोग सो रहे थे तो बच्ची उठी और रोने लगी, इस बात पर से ही आरोपी क्रोधित हो गया और उसने बच्ची की हत्या। आखिर उस मासूम का कसूर क्या था? शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठाट बाट देखकर कोई भी हैरान रह जाए, महज 10वीं पास नटवरलाल जो फ्लाइट से सफर करता है, अपने यजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने फ्लाइट से ही जाता है, जिसकी बातों के जाल में सिर्फ धोखा है, जो खुद को कभी मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने का दबाव डालता है। इस कथावाचक ठग की कुंडली में और कितने राज, कथावाचक जालसाज के कितने राज। 10वीं पास नटवरलाल की कुंडली, उसकी बातों में धोखे का जाल। लग्जरी लाइफ का वो शौकीन, ठग की ठाट बात हैरान कर देगी। शातिर गैम्बलर नटवरलाल, कथावाचक जिसकी शानो शौकत ऐसी कि आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसकी लग्जरी लाइफ की कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। बाकायदा फ्लाइट में देश भर में अपने यजमान के घर पूजा पाठ करने जाता, पूजा पाठ के नाम पर आडंबर का खेल खेलता आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित, जिस कथावाचक पर जालसाजी का संगीन इल्जाम लगा है, जिसे उसके गांव के लोग गैम्बलर के नाम से बुलाते हैं। गैम्बलर यानी वो जिसे पता है कि उसका दांव कैसे पड़ेगा, लेकिन पुष्पेंद्र दीक्षित पर उसका ही दांव उल्टा पड़ गया। कथावाचक की ठगी की कहानी तब सामने आई जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने का दबाव डाला। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे है, 8 तारीख तक का रिमांड है। अभी जो पूछताछ इस दौरान हुई है तो ये पता लगा है कि ये कई सारे राज्यों में इसके यजमान थे, जहाँ ये पूजा पाठ करने जाता था। पूजा पाठ करने के लिए फ्लाइट के माध्यम से ये पता लगा है कि मुंबई भी गया है, बेंगलोर भी गया है, दिल्ली भी गया है। जिसने सोशल मीडिया पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो पोस्ट की, वो फोटो जिससे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाला जा सके। महज 10वीं पास है ये नटवरलाल, लेकिन ठगी में माहिर। 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर करवा चुका है। और इसकी जो भी इससे जब्तियां हुई हैं, मोबाइल फोन की जो जब्तियां हुई हैं, उसकी हम फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद जो भी एविडेंस आएगा उसके बाद पुनः इसका पुलिस रिमांड लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 TI के ट्रांसफर का दबाव बनाया गया। बातों में ऐसा उलझाता कि बड़े बड़े धोखा खा जाते। अभी 5 मोबाइल जब्त हुए हैं जिसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी जो एविडेंस आया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉरेंसिक जाँच के बाद जो मोबाइल फोन का डेटा आएगा उसके बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आरोपी पुष्पेंद्र को क्राइम ब्रांच ने 5 अगस्त को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। अभी तक कई राज पुलिस के सामने आए हैं। डबरा के छोटे से गांव उदलपाड़ा के रहने वाले गैम्बलर के आखिर और कितने राज। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल का पौश इलाका, विधायकों के घर है यहाँ, लेकिन इसी पौश इलाके में लूट की वारदात हुई। करीब 15 लाख की लूट। वारदात का तरीका हैरान कर देगा। लाइव देखिए भोपाल में दहशत की नॉक नॉक। ये
ऐसी लूट देखी है, 15 लाख की लूट लाइव। भोपाल में दहशत की नॉक नॉक, टारगेट पर शराब कारोबारी, कौन है लुटेरों का राजदार? ये पॉश इलाका है भोपाल का, जिस इलाके में कई विधायकों के घर हैं। वीवीआईपी इलाके में शुमार रचना टावर। अब पूरी कहानी सीसीटीवी बयां करेगी। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी संतोष साहू के दफ्तर पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलते हैं, सामने अनजान दो लड़के थे, जिन लड़कों ने किसी कर्मचारी का नाम पूछा। उसके बाद शराब कारोबारी के होश उड़ गए, क्योंकि पिस्टल के दम पर दोनों लड़कों ने कारोबारी को बंधक बना लिया था। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जैसा कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है, इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। सुबह 8:42 का वक्त था, दोनों शराब कारोबारी को ऐसे बंधक बनाकर अपने साथ ले गए गन पॉइंट पर। दूसरे लड़के के हाथ में पिस्टल थी। दोनों कमरे में गए, उसके बाद ये कहा कि बताओ कैश कहाँ है। करीब 15 लाख की लूट हुई। वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीज़ें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है, शीघ्र ही हम इनको उसको पकड़ेंगे। इस बिल्डिंग में विधायकों के घर हैं। आखिर लुटेरे कौन थे? सुबह का वक्त लूट के लिए क्यों चुना गया? लुटेरों को कैसे पता था यहाँ मोटी रकम रखी है? गोविंदपुरा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लूट की ये वारदात कह रही है बदमाशों को पुलिस का डर नहीं। भोपाल में शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलरामपुर से खबर आ रही है जहां हाथी ने उत्पात मचाया है। गोवर्धनपुर सुरहर में हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है। दंतैल हाथी ने दो घरों को भी तोड़ा है, घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। खेत में खड़ी फसल बर्बाद कर रहा है हाथी। वाड्रफ नगर वन क्षेत्र में हाथी ने डेरा डाला हुआ है और लगातार जो है नुकसान पहुंचाने का सिलसिला यहां पर दिखाई दे रहा है। हाथी नुकसान पहुंचा रहा है फसलों को, घरों को। इससे पहले भी यहां पर हाथी की जो चहलकदमी है उससे ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा सहमे और दहशत में थे, लेकिन एक बार फिर अब हाथी की वजह से जो है लोग दहशत में नज़र आ रही हैं। बलौदाबाजार से खबर आ रही है जहां सीएमओ के निलंबन का प्रस्ताव आया है। सीएमओ सहित दो कर्मचारियों के निलंबन का प्रस्ताव आया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा है। 5 कर्मचारियों पर अलग अलग कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गलत जानकारी देने पर 2 कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया है। नगर पालिका कार्यालय में भारी अव्यवस्था मिली थी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।